नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टमस नदी पर आए दिन माफियाओं के द्वारा खनन का कार्य किया जाता है और रेत खनन के मामले को लेकर लगातार जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों से और शासन प्रशासन के अधिकारियों से शिकायतें दर्ज कराई जाती है। कई बार प्रशासन के द्वारा रेत माफियाओं पर कार्रवाई करके भारी संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए त्योथर के एसडीएम एमपी बरार ने कहा कि जल्द ही पुनः खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी और इसके संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय के साथ ही साथ अन्य शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, उन्हें भी सूचना दे दी गई है और आने वाले दिनों में जल्द ही टमस नदी पर रेत माफियाओं के ऊपर कड़ी लगाम लगाते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के एक अन्य अधिकारी से भी बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों को पत्राचार किया गया है और जल्द ही रेत माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और आने वाले दिनों में त्योथर क्षेत्र को खनन माफियाओं के हथकंडे से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा निर्देश अधिकारी के द्वारा दिया गया। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। त्योथर के टमस नदी में ढेहर घाट हो गया। गंतीरा एवं कुटरा घाट में अवैध रेत का तेजी से हैवी मशीनें लगाकर खनन किया जा रहा है, सर क्या कार्रवाई करवाएंगे उस पे? इस संबंध में मैं पहले ही कलेक्टर को लिखा, खनिज अधिकारी को लिखा, पुलिस को भी लिखा और इसकी रोकथाम के लिए जो परिवहन है जी, एक इसका बैरियर या अस्थाई चौकी बनाने के लिए भी लिख चुका हूँ और कलेक्टर साहब को भी मैं बता चुका हूँ, तो निकट भविष्य में इसकी जो है सख्त कार्रवाई होगी पूरी टीम के साथ जी। देखिए सर, त्योथर में सर कई घाटों पर सर अवैध उत्खनन हो रहा है, तो सर उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस पर हम लोग बीच बीच में आते हैं, कार्रवाई करते हैं, जो संज्ञान में आता है अवैध उत्खनन परिवहन संबंधित। अभी हमने 16 तारीख को कार्रवाई की, दो ट्रैक्टर जब्त करके अभी माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं कल ही, और लगातार हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा आपने अभी हमको थोड़ा संज्ञान में लाया। सर मैं आपको करीब आज 15 दिन से लगातार आपको अवगत करा रहा हूँ कि त्योथर टमस नदी के ढेढ़र घाट और गंतीरा एवं कुटरा घाट में हैवी मशीनें लगाकर दिन रात अवैध रेत का खनन हो रहा है, आपके द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है। आज 15 दिन से आपसे मैं संपर्क में हूँ फोन पर, आपके जिला खनिज अधिकारी बोलते हैं मैं ट्रेनिंग में हूँ, आप बोलते हैं मैं नागपुर में हूँ। खनिज अधिकारी साहब अभी ट्रेनिंग में गए हुए जी, अभी लौटे हैं वो। जब आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही कि सर पर्टिकुलर स्थान में अवैध मशीन लगाकर खनन हो रहा है, तो आपके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्यों संरक्षण दिया जा रहा है रेत माफियाओं को? इसमें रेत माफियाओं संरक्षण की बात नहीं है, हम लोग यथावत कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा आपने संज्ञान में लाया है जो घाट जो बता रहे हैं इस पर हम आज से कार्रवाई करना चालू कर दे रहे हैं और सारे विजिट करके देख ले रहे हैं कब निकलता है क्या करता है और यथावत पूरी कार्रवाई उचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरी कार्रवाई। कब तक में सर कार्रवाई करेंगे? ये 2-4 दिन के अंदर हम सारी कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। और सर जो हैवी मशीनें लगी हैं उसके जब्ती के लिए क्या? एसडीएम साहब से भी मैं यही हूँ, एसडीएम साहब से और बात करता हूँ, जो कि अब मशीन है तो मैं हमारा प्रशासन अकेला तो नहीं, उसमें थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग पुलिस और एसडीएम साहब से बात करके उस पर कार्रवाई करेंगे, मशीनों को हम लोग का कुछ करें उसमें के काम ना हो पाए। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।